नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बड़ी खबर और दुखद खबर सामने आ रही है, जहां कोरोना से बीजेपी के एक और विधायक का निधन हो गया है। बरेली के नवाबगंज से बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार का कोरोना के चलते निधन हो गया है। सीएम योगी ने केसर सिंह गंगवार के निधन पर दुख जताया है। तो कोरोना के चलते लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, लोगों की जान जा रही है और अब राजनीति जगत से जुड़े हुए लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। एक और विधायक का निधन हुआ है कोरोना से। बीजेपी के एक और विधायक, बरेली से नवाबगंज के विधायक केसर सिंह गंगवार का निधन हुआ है। इससे पहले लखनऊ के एक विधायक का निधन हुआ था और अब बरेली के नवाबगंज से बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार का कोरोना से निधन हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने विधायक के निधन पर दुख जताया है। केसर सिंह गंगवार को कोरोना हुआ था और उसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना का प्रभाव उनके शरीर में ज्यादा हुआ जिसके चलते उनका निधन हो गया। पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सी मीडिया संवाददाता। पवन, क्या जानकारी सामने आ पा रही है निधन को लेकर, और सीएम योगी ने भी दुख जताया है? अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और खासतौर से केसर सिंह एक महीने से बीमार चल रहे थे। पिछले 18 अप्रैल को इनकी हालत बिगड़ी थी। इनके बेटे विशाल गंगवार हैं, उन्होंने इनको एडमिट कराया वहां पे और खासतौर से प्लाज्मा डोनेट कर को लेकर के सोशल मीडिया पे इन्होंने अपील भी की थी और इनको 19 अप्रैल को नोएडा के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जब 18 तारीख को इनकी हालत खराब हुई। दुख की बात यह है कि 2 साल पहले इनके बड़े जो बेटा था मुनेश, उसकी भी बीमारी के चलते डेथ हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर दुखों का पहाड़ है परिवार से। इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अभी तक 5 विधायक का निधन हो चुका है, 2 मंत्रियों का निधन हो चुका है। तो निश्चित तौर से जो कोविड का संक्रमण है और खास तौर से उन लोगों में जिन लोगों में मल्टीपल दिक्कत है, उन लोगों को ज्यादा असर इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है। और उसके चलते ही खासतौर से अगर कहा जाए कि सब जो विधायक है उनकी स्थिति यह है, 1 महीने से लगातार उनकी तबीयत खराब चल रही थी और बीच बीच में थोड़ा सुधार जरूर हुआ था, लेकिन 18 तारीख की शाम को उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उसके बाद 19 अप्रैल को उनको एडमिट किया गया, लेकिन अब वो पवन कहाँ इलाज चल रहा था विधायक का, और क्या परिवार में और लोग भी क्या संक्रमित हैं? देखिए, उनका इलाज चल रहा था और खासतौर से उनके परिवार के बात करें तो अभी मौजूदा दौर में उनके परिवार में उनका छोटा बेटा है विशाल गंगवार, जो इलाज कर रहा था उनके साथ रह रहा था और पत्नी भी है। ठीक है, किसी लोगों में नहीं। शुक्रिया आपका पवन जानकारी के लिए।